वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका साई चटणी ठाही हुई हीअ तयारु थी वई, तव्हां ॾिसी सघो त मां हिते रखां पियो। ॻाढ़ी चटणी हिन में छॾी वरिती आहे, हीअ थधी थी। हाणे असां मिठी चटणी ठाहींदासीं, ठीकु आहे। अब हम बनाएंगे मीठी चटणी। तीन चटणियां इसमें डलती हैं, एक मीठी दही होती है, ठीक है। आपने देखा होगा मीठी दही डलती है, एक कप दही, ठीक है। इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी, एक दो तीन चार टेबल स्पून या पाँच टेबल स्पून पिसी हुई चीनी चली गई, ठीक है। ये हो गई मीठी दही, ठीक है। ये भी डलती है इसके ऊपर, आपने देखा होगा जब ये चाट हम लेते हैं उसमें मीठी दही भी ऊपर से डलवाते हैं। बहुत से लोग नहीं खाते, बहुत से लोग खाते हैं। तो मीठी दही होगी, हरी चटनी हो गई, एक लाल चटनी हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मसाला बनाएंगे। मसाला जो एक स्पेशल होता है, कुटा हुआ सा मसाला आपने देखा होगा ऊपर से डलता है चटपटा सा, वो होगा। और उसके अलावा चाट मसाला भी होगा, ठीक है। है मीठी दही थी भाई, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है इसी तरह लेस सी होती है। थोड़ी सी दही मैं और ले रहा हूँ यहाँ से, थोड़ी दो चम्मच और ले लेते हैं। मीठी दही हो गई, इसको अच्छी तरह क्रीमी फॉर्म में बीट करना है, ठीक है। क्रीम नहीं डालनी, जस्ट इसकी कंसिस्टेंसी जो, इसमें दाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शाइनिंग सी आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल दूध की तरह हो जाए ये। चार खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी, चीनी को आपने पीस के डालना है। एक पाव दही ले लें, पिसी हुई चीनी इसमें डालें, और ये हो गई हमारी मीठी दही तैयार, ठीक है। लाल चटनी हो गई, इसके लिए बॉल ले लेते हैं। ये हो गई हमारी लाल चटनी तैयार। कॉल बटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं भाई आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं रोजाना आपका शो देखती हूँ और आज मेरी फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल मिली है। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपकी जो रेसिपी होती है वो इतनी मज़ेदार और इतनी अच्छी होती है कि बस। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, और बहुत ही ईजी जो रेसिपी होती है आप बनाते हैं, बहुत ही ईजी होती है ना। बस यही कोशिश होती है, वो चीज़ें बनाएं जो घर में मौजूद हो और ईजी हो, हर कोई बना सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए मैंने कहा मैं आज भाई से बात करूँ और उनसे कहूँ कि मुबारकबाद देना चाहूँगी आप तमाम लोगों को, आपकी पूरी टीम को इतना अच्छा शो करने पर। थैंक यू। और बहुत अच्छा शो होता है। और सवाल का जवाब, सवाल क्या है आज आपका? आज का सवाल है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में झोंकने के लिए किन्होंने हुक्म दिया था, उनका नाम बताइएगा। नमरूद ने। अच्छा ठीक है, नोट कर लेते हैं, और आप अपना एड्रेस और सेल नंबर लिखवा दीजिएगा, लास्ट में फिर हम कुरान ताजी करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। लाल चटनी, हरी चटनी, सफ़ेद मीठी चटनी, ठीक है। ये हो गई हमारा मेन्यू तैयार। अब हम प्लेटर बनाएंगे, जिसके लिए हमें आलू चाहिए। आलू ब्लैक बॉयल होंगे, थोड़े छोटे करेंगे, ठीक है, इस तरह क्यूब्स में बॉयल किए हुए पटाटा, क्यूब्स में बॉयल थे। पैसिफिक कुकिंग ऑयल्स, अगर ऐसा रेसिपी टाइम पर वाइटामिन ए ई डी का भरपूर, कोलेस्ट्रॉल का पाक, बेहतरीन कुकिंग ऑयल हर जगह अवेलेबल आहे। हिननि जी जेका बॉटल्स आहिनि, 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर में आहिनि। ऐं हिननि जो जेको बनस्पति गिहु आहे उहो थैलिन में मिलंदो आहे किलो किलो वारी, उहो तव्हां वठो। हुन में रेसिपी ठाहियो, पराठा ठाहियो, तमामु सुठा ठहंदा। ऐं ॾिसो पटाटा जेके आहिनि बॉयल थियल, हिन खे स्लाइस में कटिंग कयो, जीअं हू प्लेट में ठाही ॾींदा आहिनि भाई। पापड़ी वेंदी हिन सां गॾु, हिकु पा चणा आहिनि बॉयल वाइट वारा, पापड़ी आहे, पापड़ी मां तव्हांखे ठाहिण सेखारे छॾी हुई। सावा धाणा, पूदनो ऐं बसर, इहे सभु कटिंग करे विझंदासीं। ऐं टमाटर, ठीक है। इसके साथ एक पाव चने, वाइट चने, काबुली चने ले लीजिएगा, बॉयल कर लीजिएगा एक पाव, ठीक है। आप कम करना चाहें तो 3 कप तक भी कर सकती हैं। रेसिपी सिर्फ आपको बता दी, चटनियाँ ख़राब नहीं होती, आप फ्रिज में रख दें, ये 2-3 दफ़ा आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, इन चटनियों को। और पापड़ी हमने बनाना सिखाई थी आपको, पापड़ी ले लें इसके साथ। हरा धनिया, पुदीना जाएगा, हरी मिर्च चॉप जाएगी, और उसके साथ हम इसमें डालेंगे टमाटर चॉप किए हुए, और उसके साथ प्याज हाफ स्लाइस करके उसको डालेंगे, हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे। बहुत मज़े की है चाट बनेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही बड़े अगर मैंने बनाना सिखाएं, इसमें दही बड़े भी चाट वाले डालते हैं। अगर आपको पास रेसिपी होगी मेरी तो वो आप दही बड़े खुद बना लें, थोड़े से 1 पाव बेसन के या 1 पाव माश की दाल के आटे के उसी तरह बना के, लेकिन उसको दही में नहीं डिप करना है, ठीक है। उसको बस पानी से निकाल के प्रेस करके वो आप इसमें चाट में डालिएगा, या मीठी दही में डिप कर लीजिएगा, ठीक है। दही बड़ा जो चाट में हूंदा आहिनि उहो तव्हांखे ठाहिण सेखारिया आहिनि। दही बड़ा माश जी दाल जे बेसण जे ठाही वठिजो, पाणी में पिसाए कढी वठिजो, टिकी वांगुरु प्रेस करे ऐं हुनखे मिठी दही में मिक्स करे पोइ तव्हांखे सर्व कजो। आलू हो गए हमारे तयार, अब हम आते हैं इसकी गार्निशिंग पे। कॉल भी वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सारा? ठीक बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल, दुआएं आपकी।
आई मिस यू एंड योर प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच. कभी भी नहीं देख सकूंगी, मुझे लगता है बस सिर्फ आवाज ही सुनने को मिलेगी फोन पे आपकी. चलें आवाज परदेश में, समझे हम परदेश में ही है ना आवाज सुन रहे हैं. लेकिन नहीं मुझे बिल्कुल भी. वो पुराना वाला दौर होता था ना कि ये व्हाट्सएप वाइबर वगैरह कुछ नहीं होता था तो फोन पे ही बात करते थे, सालों में लोग मिलते थे. अब ये हिसाब हो गया है पाकिस्तान में भी. हो गया, लेकिन ये तो देखे ना, अब मैं सिर्फ 2 मिनट ही सुन सकती हूँ, बस इससे ज्यादा तो नहीं. मैं तो आपको कहता हूँ एहतजाज करें, लाइट का इशू है, आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते हैं. आपको नंबर दूंगी, आप करिएगा. देख ले, मैं आ भी जाऊंगा सखर. आपको फोन नंबर दूंगी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, फिर आप उनसे कहिएगा, ठीक है ना. और स्पेशली अनम को थैंक्स कहूंगी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी लाइट होती है तो वो मुझे थोड़ा प्रोग्राम, अभी उसने स्टार्ट में सुनाया आपका प्रोग्राम, तो आपकी आवाज भी सुनी और मैंने क्वेश्चन भी सुन लिया. और उसकी लाइट नहीं होती तो वो खुद इतना परेशान होती है कि फिर वो मुझे भी नहीं बता सकती. आजकल उसकी कॉल्स भी नहीं आ रही है. हाँ, कॉल अनम की नहीं आ रही है. मैंने उसे कहा था, मैंने कहा तुम क्या करो जब तुम्हारी लाइट नहीं होती थी, जब भी तुम करती थी ना उस वक्त मैं उसे बता देती थी और मैं उसे फोर्स करती हूँ कि तुम रोजाना किया करो. मुझे अच्छा लगता है. और क्वेश्चन मैं आपका आंसर दूंगी क्वेश्चन का. बिल्कुल दीजिए. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में नमरूद ने डलवाया था और अल्लाह ताला के हुक्म से आग जो है वो गुलजार बन गई थी. ठीक है. और अनम को, अलीजा को बहुत सारा प्यार. और रिपीट में मॉर्निंग में 7 बजे तो सिर्फ शाजिया ही देख सकती है आपका प्रोग्राम. इस टाइम उसकी भी लाइट नहीं होती, वो मुझसे बार बार मैसेज कर रही है कि मुझे बताओ अनम की लाइट है या नहीं. अब मैं आपको बताऊं कि आप ना गूगल पे सर्च करेंगे सिन टीवी HD, तो वहाँ पे प्रोग्राम सारे मेरे अपलोड हो रहे हैं जो यहाँ पे लाइव हो रहे हैं ना. या फिर आप गूगल पे लिखें कि अफ्तार विद फैसल सिन टीवी लिखेंगी तो मेरे प्रोग्राम्स वहाँ पे खुल जाएंगे, वहाँ पे अपलोड हो गए हैं सारे प्रोग्राम्स. मैं तो यूज ही नहीं करती हूँ इंटरनेट, इसलिए करें जब ये मसला है. प्रोग्राम देख सकती हैं वहाँ पे, आप रेसिपी देख सकती हैं. नहीं देख सकती, मैं यूज ही नहीं करती हूँ. चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सारा, ठीक है. थैंक यू. अच्छा हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे छोले प्लेटर में, ठीक है. इसके साथ आलू, छोले डाले, आलू डाल दे, प्लेटर बना रहा हूँ, आप चाहें तो प्लेट बना दें, ठीक है. इसके अंदर प्याज जाएगा, प्याज को इस तरह खोल के डालिएगा, ठीक है. मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, काट के रखें आप साइड में. इस तरह एक प्लेटर बना दें. आलू डाला, प्याज डाला, टमाटर हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ, ठीक है. इसको थोड़ा मिक्स कर लें ताकि आलू वगैरह सब नज़र आए प्लेटर में, ठीक है. हसबे ज़रूरत टमाटर डालें, बहुत ओवरलैपिंग नहीं करनी है, ठीक है. अधिक ना भी जो हसबे ज़रूरत बसर, हसबे ज़रूरत इनमें इधर टमाटर, इनके मिक्स करें छजो हैं इन तरीके से, इस तरह मिक्स करें. मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें हरा धनिया पुदीना डालना है थोड़ा सा चॉप करके, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हरी चटनी हम ऑलरेडी डालेंगे इसमें, ठीक है. पुदीना हाथ से तोड़ के डाल रहा हूँ मैं, आप चॉप करके डाल सकती हैं. पुदीना चला गया, हरा धनिया प्याज के साथ भी चॉप करके डाल सकती हैं, हरा धनिया वैसे भी डाल दें, ठीक है. हरा धनिया पुदीना हे विझी छो, ठीक है. हाँ छा कंदी हिंज मथा विझंदी मीठी चटनी, मीठी चटनी पहले डालेंगे इस तरह, ठीक है, लेयर्स में. मीठी चटनी बड़ी मज़े की लगती है इसके साथ चाट. मुकम्मल ये मेन्यू है पूरा फुल, जिस तरह चाट हम बनाते हैं, ठीक है. इसका मसाला भी अभी बनाना सिखाता हूँ आपको. इसके बाद हमने डालनी है हरी चटनी, मैं थोड़ी थोड़ी डाल रहा हूँ, गार्निशिंग में साथ रखिएगा आप इस तरह प्लेटर में साथ, ताकि आप लोग जब यूज़ करें जिसको जितनी चाहिए हो अपने हिसाब से. लाल चटनी, ठीक है, देखो ज़बरदस्त लगे पे हो, कलरफुल आलू चना चाट. इसके बाद हमने क्या करना है, पापड़ी, पापड़ी थोड़ी तोड़ के डाल रहे हैं. पापड़ी हमेशा साथ रखा करें, कभी भी इस तरह डाल के छोड़ा नहीं करें, ख़राब हो जाती है, नमी आ जाती है. चाट मसाला पिसा हुआ जो होता है हसबे ज़रूरत, ठीक है. अब इसका एक भुना हुआ मसाला बनाएंगे, इसको मैं यहाँ रखता हूँ ताकि आप इसका रिज़ल्ट देखें. इसके बाद इसका एक भुना हुआ मसाला पिसा हुआ बनेगा, वो मैं बना देता हूँ जल्दी से, ठीक है. फ्राइंग पैन गर्म करेंगे, साबित लाल मिर्च 6 से 8-10 इस तरह ले लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं. साबित लाल मिर्च थोड़ी सी हमारी डार्क होंगी, तो इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच,
तकरीबन 15 अदद साबित लाल मिर्च, 2 चाय के चम्मच जीरा, 2 चाय के चम्मच साबित धनिया, थोड़ी सी टाटरी, लेमन सॉल्ट और उसके साथ काला नमक 1/2 टीस्पून, गाढ़ा मिर्च 15 अदद गाढ़ा कंदो, उनका पो ब चाय जो चम्मच अछो जीरो, ब चाय जो चम्मच साबित धाणा, टाटरी बिल्कुल थोड़ी हसबे जरूरत, आई कारो लून अद चाय जो चम्मच विजी, आई इनके सब पचाई हिंदी मथा विचंदा से ग्राइंड करी। कॉल आए छा, कॉल वठू ता। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। केरे किथा गलायो पया? जी मैं नूरलैंड बात कर रही हूँ, मोरल के पीछे हमारा गांव है ना न्यू मलिक से। जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा मैं न्यू मलिक से बात कर रही हूँ, मेरा नाम नूरलैंड है। ठीक है, छा हालन ताजा? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आप भाई आप आज बताएं आज कौन सा सवाल है? अजो को सवा सिंधी में गलाएं उर्दू में गलाएं था था। जी अच्छा सिंधी में ही गलाए सर। अजो को सवाल आया है कि छाए सवाल हाँ हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बाहे में झोकण दे लाए धिक दे उछलाइण लाए के हाँ के हुकुम देनो हो? जी दोबारा रिपीट कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को आग में फेंकने के लिए किन्होंने हुकुम दिया था, उनका नाम बताएं। अच्छा सॉरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ठीक अच्छा ठीक है आज हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल। और हमारे पास लाइट भी नहीं है ना इसलिए पता नहीं सवाल का भी पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है ओके जी, सुबह 7 बजे रिपीट होगा देख लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है ताकि थोड़ी सी इसमें लेस बने, शाइनिंग आएगी। ठीक है 1 चाय का चम्मच असल में डलता है इसमें वो जो होता है सरसों का तेल। ठीक है सरसों का ऑयल डलता है 1 चाय का चम्मच। सरे जो ऑयल विझबो है वो ना है तो माँ ही विझी छो है सादो कुकिंग ऑयल पैसिफिक जो। ठीक है लौंगी मिर्च गाढ़ा कया अछो जीरो ब चाय जो चम्मच साबुत धाणा ब चाय जो चम्मच चुल्हो बंद कर छो। चुल्हो बंद करने का पोए इनमें छा विझंदी कारो लूण अध चाय जो चमचो, लेमन सॉल्ट यानी टाटरी अध चाय जो चमचे का घट इनके मिक्स कंदासी। मिक्स करने का इनके थदो कंदासी इनके ग्राइंड करे ये मसालो जो होंगे ये चाट के मथा विझबो है। ठीक है ये मसाला जो होता है ये चाट के ऊपर डलता है, बड़ा मज़े का ये मसाला होता है। साबित लाल मिर्च 1/2 कप ले लें, 15-20 दाने ले लें, 2 चाय के चम्मच सफ़ेद जीरा, 2 चाय के चम्मच हम डालेंगे इसमें चीनी है, 2 चाय के चम्मच हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे सफ़ेद जीरा, 2 चाय के चम्मच साबुत धनिया और इसमें लेमन सॉल्ट यानी टाटरी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून और उसके साथ हम इसमें डालेंगे काला नमक। ठीक है इसको ठंडा करके पीसना है, मेरे पास टाइम जितना है तो मैं गर्म ही पीस रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर बनानी है दही वाली फ्रूट चाट। और ये जो मसाला मैंने बनाया है ये बहुत ही मज़े का होता है, आप ज़्यादा बल्ब बना के इसको रख सकते हैं बड़ी सी बॉटल में भर के, अंदाजे से अपने मसाले कर लेने हैं। ठीक है कॉल बैठूँ था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दरअसल सलमा जोखियो पे गलाया मक्खी खटे खा। अच्छा हाल है ताजा? जी बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूं। दुआओं हां अरे माशाल्लाह रेसिपी वाले सभी सुठी हुई कल भी अलग सुठी रेसिपी खाई है, अभी भी चने की जी का रेसिपी खाई पे वाले सुठी है, सवाल जी जवाब बस दिया चाहिए थी। जी बिल्कुल दियो। हाँ सवाल जी जवाब ये है हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के जो काफर नमरूद हो उन बाय में उछलाएं जो हुकुम दिनो। हेलो ठीक है दी नोट करे था बटू पो लास्ट में जो तरीके कार होंदो है परचिन वालों पता के बता। ठीक है चलो सही थैंक यू। ब्रेक जो टाइम थी हुआ है ठीक है ब्रेक का टाइम हो रहा है और मैं ये मसाला पीस के इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगा बाकी रख दूंगा, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक।